एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज के ताजा मौसम समाचार में। आपको बता दें मौसम को लेकर अभी अभी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही कि यूपी वेदर अलर्ट, उत्तर प्रदेश में अब फिर मौसम लेगा करवट और दो दिनों तक होगी लगातार बारिश। तो चलिए जानते कि कहां होगी बारिश और किन किन जिलों में मौसम रहेगा शुष्क। वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी, तो खबर को जानने के लिए बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक देखें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मौसम समाचार में आपको बता दें कि इन दिनों गर्मी और भीषण उमस से लखनऊ समेत प्रदेशवासियों का हाल बेहाल है। आलम यह है कि दिन प्रतिदिन तापमान बढ़ता जा रहा है। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के करीब ज्यादातर जिलों में पहुंच चुका है। ऐसे में लखनऊ मौसम केंद्र की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक दो दिनों बाद मौसम करवट लेगा और लखनऊ के साथ ही पूरे प्रदेश में जिलों में हल्की कई मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। इसी बीच आपको बता दें कि बादलों की आवाजाही भी कल से शुरू हो जाएगी। लखनऊ मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि कल से मौसम एक बार फिर बिगड़ेगा, बारिश होगी। उन्होंने बताया कि हो सकता है कि ये बारिश साल के मानसून की आखिरी बारिश हो, लेकिन अभी इस पर मॉनिटरिंग जारी है। हालांकि दो दिनों बाद लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल जाएगी। चुर्क सबसे ठंडा और कानपुर सबसे गर्म जिला रहा है। लखनऊ मौसम केंद्र की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक फुर्सतगंज में आपको बता दें कि बीते कुछ समय पहले 11 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं कानपुर शहर में बीते 24 घंटों पहले सबसे गर्म जिला रहा। यहां का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि चुर्क जिला सबसे ठंडा रहा। यहां का अधिकतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। चलिए जानते कि आज किन जिलों का कितना रहेगा तापमान। अगर बात करें लखनऊ की तो लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। बाराबंकी, हरदोई, कानपुर, इटावा, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, वाराणसी, बलिया, चुर्क, बहराइच और प्रयागराज में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। वहीं अगर बात करें फतेहपुर, बांदा, सुल्तानपुर, अयोध्या, फुर्सतगंज, गाजीपुर और फतेहगढ़ में सबसे अधिक तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है। इन जिलों का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं बस्ती, झांसी, उरई, हमीरपुर, बरेली, शाजापुर, नजीबाबाद, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, आगरा, अलीगढ़ और बुलंदशहर में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। वीडियो के आखिर में अगर बात करें मथुरा, चित्रकूट, हाथरस, आजमगढ़, गोंडा में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक रहने का पूर्वानुमान है, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। गाजियाबाद, हापुड़ और नोएडा की अगर बात करें तो इन जिलों का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताल लाटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल LHTV इंडिया को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।